हमारा नेक्स्ट चैप्टर है स्पेशल टाइप्स ऑफ कंक्रीट जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें सब हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वे कंक्रीटिंग होती है किस किस कंडीशन में, सबसे पहले हॉट वेदर में, कोल्ड वेदर में, उसके बाद कोई हम 4 या 5 टाइप्स के डिफरेंट डिफरेंट कंक्रीट के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें मेन मेन हमारा है सबसे पहले तो हॉट वेदर कंक्रीटिंग, कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग, अंडर वाटर कंक्रीटिंग, ठीक है। उसके बाद है RMC रेडी मिक्स कंक्रीट, ठीक है। फिर फाइबर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट, फ्लाई ऐश कंक्रीट और सिलिका फ्यूम कंक्रीट शायद लास्ट है। तो इसमें ना आपको मतलब जो भी आप पढ़ाया जाए ना, तो उसमें ज्यादा डीप में नहीं जाना है, मतलब ऊपर ऊपर से देखना, क्योंकि इसका सिलेबस भी आपके मतलब सिलेबस का जैसे 5% ही है। जैसे एडमिशन में अपन ज्यादा डीप में जा रहे थे ना, उसमें डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ उसका भी बेसिक बेसिक हम पता चलने होना चाहिए कि एडमिक्सचर होता क्या है, कौन से 2 टाइप के एडमिक्सचर होते हैं, ठीक है। एक केमिकल एडमिक्सचर होगा, एक मिनरल एडमिक्सचर होगा। केमिकल एडमिक्सचर के कौन से टाइप होते हैं और मिनरल एडमिक्सचर के कौन से टाइप होते हैं, और जिसमें से कोई भी 1, 2, 3 या मतलब केमिकल वाले ज्यादा हमें डिस्क्राइब करने आने चाहिए, उसमें पता होना चाहिए मिनरल एडमिक्सचर का मतलब क्या होता है और मिनरल एडमिक्सचर होते कौन से हैं और उनसे क्या प्रॉपर्टी में थोड़ा बहुत चेंजेस आता है, ठीक है, ज्यादा नहीं। सिमिलरली इसमें भी वही देखना है। सबसे पहला ही हमारा पार्ट है इसमें हॉट वेदर कंक्रीट। हॉट वेदर कंक्रीट का मतलब है जहाँ पे भी टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, उससे ज्यादा रहता है, उसको जो है बोलेंगे हॉट वेदर कंक्रीटिंग, मतलब गर्म जगह पे कंक्रीटिंग। गर्म जगह होगी तो मतलब साफ में क्या पानी की प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। पानी की प्रॉब्लम आएगी तो वर्केबिलिटी में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। प्लास्टिक स्टेज की बात करें तो पानी में वर्केबिलिटी में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, हाइड्रेशन से ढंग से नहीं हो पाएगा, वहां पे भी एक प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। उसके बाद में हार्डन स्टेज के में किस में प्रॉब्लम आएगी, क्योरिंग में। क्योरिंग में कैसे प्रॉब्लम आएगी कि पानी होगा नहीं और हमारा हाइड्रेशन हो नहीं पाएगा। तो 2 हमारे सबसे मेन फैक्टर है इसमें। अब इफेक्ट क्या होते हैं इसमें, बोल रखे हैं कि हॉट वाटर कंक्रीटिंग, भाई पानी ज्यादा होगा पानी इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है, वर्केबिलिटी कम हो जाएगी, सेटिंग टाइम जो है इसका कम हो जाएगा, ये बहुत जल्दी पानी रिड्यूस हो जाएगा, बहुत जल्दी सीमेंट कंक्रीट जो है हमारी सेटल कर जाएगी, ठीक है। और बहुत ही जल्दी, क्योंकि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा रेट ऑफ रिएक्शन भी उतनी ज्यादा होगी, तो रेट ऑफ हाइड्रेशन भी बढ़ जाएगी। अगर बहुत ज्यादा सीमेंट जो है या कंक्रीट जो हमारी बहुत जल्दी स्ट्रेंथ गेन करती है, तो हमारी जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत कम हो जाती है, ठीक है। आपको प्लेसिंग के लिए टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में सबको आवाज सही आ रही है, सर बीच बीच में कट जा रही है। अब सबको आवाज आ रही है, बताओ भाई। हाँ सर अब ठीक है, सर आ रही है, ठीक है। तो हमने देख लिया कि हॉट वेदर कंक्रीटिंग होती है, सबसे पहले हॉट वेदर देखना पड़ेगा जहाँ 40 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ज्यादा हो, मतलब इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में तो अधिकतर होता ही है 40 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर,
उससे होगा क्या, पानी का लॉस होगा, तो मतलब जो भी जो पानी से इफेक्ट होगा वो सारा हमारा इफेक्ट होगा उस हॉट वेदर का, कि भाई हमारी वर्कएबिलिटी लूज हो जाएगी, कंक्रीट इजीली प्लेस नहीं होगा, सेटिंग टाइम डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अब प्रिकॉशंस क्या क्या रखने हैं हॉट वेदर कंक्रीट, ये सारे भी वाटर के ही प्रिकॉशंस रखने हैं, कि भैया पानी जो भी है हमें ये पता होना चाहिए कि आज टेम्परेचर ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास में एक्स्ट्रा वाटर प्रेजेंट होना चाहिए, एग्रीगेट को हमें ठंडा रखना पड़ेगा, रूम टेम्परेचर के अबाउट रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में जो कॉन्क्रीटिंग जब कर रहे हैं तो टेम्परेचर कैसे हम उसका लो कर पाए ताकि क्वालिटी ऑफ कॉन्क्रीट अच्छी रहे, शेडिंग में काम करें। ठीक है, और उसके बाद में जो हमारा फॉर्म वर्क यूज हो रहा है उसको भी हम जो है पानी उस पर स्प्रिंकल करते रहें ताकि वो भी ठंडा रहे। ठीक है, और जब जब पीक टेम्परेचर हो, कि मतलब आफ्टरनून या इनमें जब भी पीक टेम्परेचर हो, जब हम वहां पे उस टाइम पे कॉन्क्रीटिंग करना अवॉइड कर लें। ठीक है, और हम जितना फास्ट काम कर पाए, मतलब कि भाई जो भी कंक्रीट की मिक्सिंग है उसमें वो बहुत मिनिमम टाइम में, रिक्वायर्ड टाइम में हो जाए, तो वो भी हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, अब आफ्टर कंक्रीटिंग के प्रिकॉशंस क्या होंगे, कि भाई हमारी क्योरिंग के लिए जो है सब सफिशियंट वाटर प्रेजेंट होना चाहिए, मेन यही है। ठीक है, कंक्रीट शुड बी प्रोटेक्टेड इन हॉट ड्राई विंडी शेड्स, मतलब शेड्स प्रोवाइड करो ताकि इवेपोरेशन का लॉस ना हो। ठीक है, हाँ, आप जो जूट के बैग होते हैं ना वो गीले करके वो भी लगाते हैं। ठीक है, कई बार क्या होते हैं जो हमारा फॉर्म वर्क होता है उसको हटाते नहीं है, अगर फॉर्म वर्क को ना हटाएं तो इवेपोरेशन लॉस नहीं होता है, तो हमें वाटर ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स है, ठीक है, वो इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है हम इसमें कर रहे थे वाटर के रेस्पेक्ट में इन्फ्लुएंस की जो बात कर रहे थे, कि मतलब इसमें जब फाइनल जो हमारा प्रिकॉशन है, जब कॉन्क्रीटिंग हो जाएगी तो बेसिकली क्योरिंग के लिए ही है, कि क्योरिंग के टाइम जो है हमारा पानी प्रेजेंट हो ताकि पूरी हाइड्रेशन रिएक्शन हो जाए। पहले किसमें थी कि भाई पहले वाटर हमारा कॉन्क्रीट बनाते समय प्रेजेंट होना चाहिए कि लॉस ना हो जाए, इवेपोरेशन लॉस। ठीक है, और जो क्योरिंग है इसमें मतलब क्या रखा है कि 7 दिन क्योरिंग, तो वैसे 14-28 डेज से करो तो उतनी ज़्यादा बेटर रहती है। ठीक है, कंक्रीट का जो सरफेस है उसे गीला रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, बेसिकली वो ही है कि भाई सिंपल सिंपल जो भी आप सोच पाओ कि भाई प्रिकॉशन हमें क्या रखे कॉन्क्रीटिंग के लिए, शेडिंग में प्रोवाइड कर लो, पानी प्रोवाइड कर लो, उसके बाद में चाहे गीले कट्टे लगा दो उस पर, उसके बाद में इनिशियल सेटिंग टाइम कैसे भी उसका, जब तक इनिशियल सेटिंग टाइम उसका मतलब रीच हो रहा है, जब से पहले आप उसकी प्लेसिंग कर दो। अब अगला है कोल्ड वेदर कॉन्क्रीटिंग। कोल्ड वेदर कॉन्क्रीटिंग जिसमें क्या होगा, 5 डिग्री सेल्सियस और उससे कम का टेम्परेचर हो गया। अब आपको पता चल गया कि कोल्ड वेदर कॉन्क्रीटिंग में क्या सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी, इसमें भी एक तरह से वाटर की प्रॉब्लम ही होगी। अगर वाटर फ्रीज कर गया तो भी आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, अब सबसे ज्यादा क्या प्रॉब्लम होगी इसमें, कि जो भी अब पहले वाले केस में ये प्रॉब्लम हो रही थी कि मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं था, अब इस वाले केस में क्या होगा, मॉइस्चर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कि भाई जो एग्रीगेट या सीमेंट है, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा हमारे किसी भी तरह के कोल्ड मॉइस्चर से कॉन्टेक्ट में आने में। ठीक है, ये पहला प्रिकॉशन है। और हमारे जितना भी कॉन्क्रीटिंग वर्क होगा, जो भी हम कॉन्क्रीटिंग कर रहे हैं, हमें उसे हमेशा प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ताकि वो फ्रीज ना कर पाए। ठीक है, वाटर और एग्रीगेट को एक हीटेड टेम्परेचर पे रखना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली जो भी हीटेड टेम्परेचर पे रखा है तो उसके बाद क्या होगा, कि जो मतलब वाटर जो होगा, मतलब क्या बोल सकते हैं, अब जो रिक्वायरमेंट होगी हमारी वो ज्यादा बढ़ जाएगी वाटर की, तो सबसे पहले हम एग्रीगेट और वाटर को मिक्स करेंगे, उसके बाद हम सीमेंट को मिक्स करेंगे। सीमेंट कभी भी गर्म पानी से मिक्स नहीं करनी है। ठीक है,
और जो कंक्रीट हमारी बने उसमें कोई फ्रोजन लम्स नहीं होने चाहिए, मतलब कोई बर्फ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। रीइंफोर्समेंट और जो भी हम फॉर्मवर्क यूज कर रहे हैं वो फ्री ऑफ स्नो होना चाहिए, और कंक्रीटिंग कोई भी फ्रोजन ग्राउंड पे नहीं करनी है, क्योंकि जब भी पानी पिघल जाएगा तो हमारा एक वैकेंट स्पेस रह जाएगा, वॉइड्स रह जाएंगे, इसलिए कंक्रीटिंग कभी भी हमारी फ्रोजन ग्राउंड पे नहीं करनी है, ठीक है। ये हमारा अगला पॉइंट हो गया। अब प्रिकॉशन क्या रखना है हमें कंक्रीट प्लेस करते समय, ठीक है। जो भी कंक्रीट है मतलब जो भी हमारी कंक्रीट है, ठीक है, हमें उसे कवर रखना है, ठीक है, ताकि उसमें फ्रॉस्टिंग एक्शन ना हो पाए, ठीक है। अगर उसमें फ्रॉस्ट हो गया तो हमारे जो वॉइड्स है, ठीक है, वॉइड्स में जो हमारी फ्रॉस्टिंग हो जाएगी, फ्रॉस्टिंग होने के बाद में क्रैक्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, और इस वाले केस में क्योरिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर में क्या होगा, वाटर का लॉस ही नहीं होगा, क्योंकि जो भी कंक्रीट का टेम्परेचर होगा, एटमॉस्फेरिक कोई टेम्परेचर होगा वो कम ही होगा, तो वाटर का लॉस होगा नहीं। तो ये बेसिकली दो टाइप के थे, कि हॉट वेदर कंक्रीटिंग में हमें ये ध्यान रखना है कि इवेपोरेशन होगा, और कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में हमें ये ध्यान रखना है कि फ्रॉस्टिंग एक्शन ना हो, ठीक है। दोनों के प्रिकॉशंस क्या रखने हैं, स्टार्टिंग में जो कोल्ड वेदर कॉन्क्रीटिंग हम कर रहे हैं पूरे प्रोसेस को रेस्पेक्ट में, और एक आफ्टर कॉन्क्रीटिंग में हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं। और एक ये भी हो सकता है कि भाई जो भी आपका जो कोल्ड वेदर कंडीशंस होंगे उसमें आपका इनिशियल सेटिंग टाइम होगा वो बहुत जल्दी अचीव नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ हाइड्रेशन बहुत कम होगी, क्योंकि टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर पे रेट ऑफ हाइड्रेशन मतलब 20-27 डिग्री सेल्सियस पे रेट ऑफ हाइड्रेशन सही रहती है, ठीक है। और हमें जो है अर्ली सेटिंग सीमेंट यूज करनी पड़ेगी, ठीक है, और उसके बाद में हमारा जो वाटर एडिशन होगा वो भी हमें रिड्यूस करना पड़ेगा एक तरह से, क्योंकि अगर हमने ज्यादा वाटर ऐड कर दिया तो हमारा सेटिंग हो ही नहीं पाएगी, ठीक है। अगला है अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग। अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग का मतलब है कि भाई हम फाउंडेशन के अंदर जो कॉन्क्रीटिंग करते हैं, जो मतलब वाटर के अंडर हो, मतलब पानी में डूबी हुई जो भी फाउंडेशन की कॉन्क्रीटिंग होगी उसे बोलेंगे अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग। अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग में दो चार मेथड से करते हैं, एक ट्रैमी मेथड होता है, ट्रैमी मेथड में कुछ नहीं होता, उसमें एक पाइप सा होता है, ठीक है। हम जो भी हमारे जहाँ पे भी फाउंडेशन बनानी है उसे खोद लेते हैं, ठीक है, और एक फॉर्मवर्क प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे मुझे एक पाइल की फाउंडेशन प्रोवाइड करनी थी तो मैंने इतना इतना खोद लिया, ठीक है। उसके बाद में क्या किया, मिट्टी बाहर निकाल ली, अब उसके बाद में एक फॉर्म वर्क प्रोवाइड कर दिया, और इसमें अंदर से मैंने एक पाइप प्रोवाइड कर दिया जो जिसके अंदर से कंक्रीट बाहर निकल रही है और इसके अंदर से कंक्रीट भरती जाएगी, ठीक है, इसे बोलते हैं ट्रैमी मेथड, ठीक है। उसके बाद में काइजन्स का मेथड आता है, मतलब अगर पानी के अंदर समुद्र के अंदर या किसी भी चीज के अंदर हमें कॉन्क्रीटिंग करनी पड़ जाए,
सबको आवाज आ रही है?